और आपको बताएं, ई चालान से मोटरसाइकिल चोर का सुराग लग गया। मोटरसाइकिल चुराने वाले ने ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी की तो उसकी तस्वीर लगा चालान बाइक के असल मालिक के घर पहुंच गया। माजरा क्या है, जानते हैं मोहम्मद अशफाक की इस रिपोर्ट में। ई-चालान यूं तो किसी को नहीं भाता, मगर कोड लखपत के रिहायशी के लिए यही ई-चालान खुशी का पैगाम बन गया। 7 माह कबल जो मोटरसाइकिल चोरी हो चुकी, इसके चुराने वालों का सुराग मिल गया। चोरीशुदा बाइक पर सवार शख्स की तस्वीर के साथ ई चालान असल मालिक के घर पहुंच गया। चोरीशुदा बाइक की इलेक्ट्रॉनिक मुखबरी तो हो गई, लेकिन इमरान नामी शहरी को मोटरसाइकिल मिलना तो दूर की बात, चोरी का मुकदमा भी पुलिस ने दर्ज ना किया। इमरान का कहना है कि बार बार चक्कर लगाने के बावजूद भी मुतलका पुलिस ने रोजनामचे में शिकायत तक दर्ज ना की। ई-चालान लेके भी मैं थाने गया हूँ, लेकिन थाने में मेरी कोई बात नहीं सुन रहा, ना मेरा पर्चा काटा जा रहा। फिर मैं मजबूर होकर जो है अदालत के दरवाजे पे आया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे इंसाफ दिया जाएगा। ई-चालान की तस्वीर से बाइक चोरों का सुराग तो मिल गया। पुलिस की रवायती सुस्ती ने इमरान को चोरी के मुकदमे के इंदराज के लिए अदालत से रजू करने पर मजबूर कर दिया। शहरी के वकील मुनीर अहमद भट्टी कहते हैं कि एक तो इमरान की मोटरसाइकिल चोरी हुई और दूसरा मुकदमा भी दर्ज ना किया गया। सैफ असलम की मोटरसाइकिल चोरी हुई थाना फैट एरिया में। 3 दरखास्तें देने के बावजूद इसकी FIR दर्ज नहीं हुई। ये है हमारा नया पाकिस्तान और ये है वजीर आजम और वजीर आला का नया पाकिस्तान। शहरी के वकील का मजीद कहना था कि पुलिस अगर शिकायत का बर वक्त अजाला करे तो शहरियों को अदालत से रजू ना करना पड़े। चोरी होने वाली मोटरसाइकिल का ई चालान घर आया तो सुहेब के इरादे मजीद पुख्ता हो गए और पुलिस से इंसाफ की तवक्को छोड़कर अदालत से इंसाफ की उम्मीद लगा ली। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़।